Hello everyone, let's start with question number 2 of page number 147. So it says, how do Mendel's experiment show that traits are inherited independently? So ye bolna chahte hain ki jo hamare traits hote hain wo inheritedly independent hote hain, matlab kuch aur new traits bhi hamare ban sakte hain. So jaise ki aapne dekha tha, maine hame dikhaya gaya hai dihybrid ke case mein. तो F1 जनरेशन में तो हमें सारे के सारे जो सीड्स थे वो राउंड येलो मिले थे, लेकिन जैसे ही हम F2 जनरेशन का क्रॉस करते हैं तो हमारे न्यू ट्रेट्स और दो आ जाते हैं. और कौन से दो ट्रेट्स हैं हमारे? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. मतलब दो एक न्यू ट्रेट्स बन गए. पहले तो हमने कंसिडर क्या किया था, एक तो हमने लिया था राउंड ग्रीन सीड्स, फर्स्ट वन इज राउंड ग्रीन सीड्स, और दूसरे हमने क्रॉस करवाए थे रिंकल येलो सीड्स को. तो ये दोनों करेक्टर्स F1 जनरेशन में थे, लेकिन F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कर गया वो राउंड येलो सीड्स थे. अब जब उन्होंने F2 जनरेशन का क्रॉस किया तो हमें दो नए ट्रेट्स दिखने को मिल रहे हैं, दैट इज राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन. तो ये दोनों ट्रेट्स जो हमें नए देखने को मिल रहे हैं ये अपने आप ही आए ना, इंडिपेंडेंटली आए. सो द डाइहाइब्रिड क्रॉस शोज दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2.